हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। कोरोना का वैक्सीनेशन ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स रात दिन एक कर रहे हैं। इसी बीच एक राहत की खबर आई है और ये किसी फॉरेन कंट्री से नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत से है। हाल ही में बेंगलुरु के एजे मेडिकल कॉलेज में हेड एंड नेक सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर देवन 7 कोरोना के मरीजों का इलाज करने में सफल रहे हैं। ये इलाज गर्म पानी और जिंक से किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि क्या वाकई जिंक और गर्म पानी से कोरोना का इलाज संभव हो सकता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की एक रिसर्च के आधार पर जिंक हमारे शरीर के कई अंगों पर विशेष प्रभाव डालता है। जिंक भी आयरन और कैल्शियम की तरह शरीर के लिए एक जरूरी मिनरल है। इसकी जरूरत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जिंक की हल्की सी कमी के चलते इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं, नजर कमजोर होना, घाव जल्दी ना भरने जैसी परेशानियां भी दस्तक देने लगती हैं, जिससे आपका शरीर कमजोर होने लगता है। अब आपको बताते हैं जिंक शरीर के लिए क्या क्या काम करता है। जिंक का सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा जिंक सर्दी खांसी और कॉमन कोल्ड के लक्षणों को ठीक करने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाता है। जिंक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर को डिटॉक्स करने के साथ इन्फेक्शन के कारण सांस की नली में आने वाली सूजन को भी कम कर सकते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि गर्म पानी और जिंक से कोरोना के 7 मरीजों का इलाज कैसे संभव हो पाया। डॉक्टर देवन के मुताबिक शरीर में वायरस घुसने के 48 घंटे के भीतर मरीज का इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर गले में जरा सी भी खराश और शरीर में थकान महसूस हो रही है तो गर्म पानी पीना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको पसीना आए और शरीर का तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ जाए। इससे इलाज में मदद मिलती है। डॉक्टर देवन का यह भी मानना है कि शरीर में जिंक का लेवल ठीक रखा जाए तो इम्यूनिटी मजबूत होगी और वायरस को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, एक व्यक्ति को हर दिन 40 mg जिंक की जरूरत होती है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह से जिंक की टैबलेट भी ली जा सकती है। इसी के साथ खाने में कुछ चीजों को शामिल करके भी आप इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। सबसे पहला है मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली जिंक का सबसे अच्छा स्रोत है। दूसरा, दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी जिंक से भरपूर होते हैं और आप इनका सेवन कर सकते हैं। तीसरा, जिंक की पूर्ति के लिए पपीते और तरबूज के बीज का पाउडर बनाकर उसे चावल के साथ खाया जा सकता है। चौथा, तिल में बहुत ज्यादा मात्रा में जिंक पाया जाता है। आप रोज 1 चम्मच तिल का सेवन कर सकते हैं। पांचवा, 2 स्लाइस पाइनएप्पल के जरिए आप अपनी डाइट में जिंक को आसानी से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक के लिए डार्क चॉकलेट्स, अखरोट, दालें और लहसुन भी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर देवन की माने तो कोरोना से 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की मौत इसीलिए हो रही है क्योंकि उनके शरीर में जिंक की कमी है। उन्हें जिंक दिया जाए तो फायदा हो सकता है। इसके सेवन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और हर उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप भी अपनी डाइट में जिंक शामिल करें और अपने शरीर को इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बचाए रखें। और हाँ, उन लोगों तक इस जानकारी को ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें आप हेल्दी देखना चाहते हैं।